सीजन 3 में हैंडमेड की कहानी और भी ज्यादा दर्दनाक होने वाली है। तो क्या जून बाकी हैंडमेड के हक के लिए लड़ पाएगी? क्या जून अपनी दूसरी बेटी को इस नरक से दूसरी हैंडमेड बनाने से रोक पाएगी? और क्या कोई ऐसा चांस है जहाँ पर जून अपनी पूरी फैमिली से मिल पाएगी? तो यही हमें सीजन 3 के पहले और दूसरे एपिसोड में पता चलने वाला है। सीजन 3 के एपिसोड 13 में जहाँ पर हमने देखा था कि जून सड़क पर भाग रही थी और उसने अपनी बेटी निकोल को ग्लेनोवा के हवाले करके सेफ्टी से गलियट से बाहर निकाल दिया था, लेकिन वो यहाँ पर एलिजाबेथ को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। जून ने जो कदम उठाया था उसके बाद में शायद निकोल को कभी जून देख भी नहीं पाएगी और शायद निकोल ये भी नहीं जान पाएगी कि जून उसकी माँ है। जून मिस्टर लॉरेंस को भी ये बताती है कि वो एलिजाबेथ को लिए बिना वहाँ से नहीं निकलेगी और मिस्टर लॉरेंस जून को कार में बिठाकर वापस सिटी की तरफ ले जाने लगते हैं। फिर इस तरफ फ्रेड सिरना को समझाने की कोशिश करता है कि जून ज़्यादा दूर नहीं गई होगी तो वे लोग जून को पकड़ लेंगे, लेकिन सिरना ने खुद ही निकोल को जून को ले जाने दिया था। सिरना ने वही किया था जो कि निकोल के लिए सही होगा और वो ये नहीं चाहती थी कि अब जो यहाँ पर औरतों का हाल है वो फ्यूचर में उसकी बेटी निकोल का भी हो। सिरना ने खुद जून के हाथों निकोल को जाने दिया था और ये जानकर फ्रेड भी बहुत ज़्यादा हैरान था। अब इस तरफ जून एलिजाबेथ को लाने के लिए उसके न्यू पेरेंट के घर जाती है और वहाँ की नौकरानी माया उसे बताती है कि एलिजाबेथ अपने रूम में है और घर के मालिक काम से बाहर गए हैं। जून एलिजाबेथ के रूम में जाती है लेकिन वो उसे वापस नहीं ले जा पाती है क्योंकि वहाँ की आर्मी जून को अरेस्ट कर लेती है। फिर कुछ देर के बाद में जून के पास में एलिजाबेथ के न्यू पेरेंट मिस मैकेंजी आती है जो कि जून को वार्निंग देती है कि वो एलिजाबेथ से दूर है और इन सब की वजह से एलिजाबेथ को काफ़ी डरावने सपने आते हैं। जून मिस मैकेंजी से एलिजाबेथ खुश है या नहीं इस बारे में पूछती है और उसके जवाब में मिस मैकेंजी जून को एलिजाबेथ के पसंद और नापसंद के बारे में उसे बताती है और ये भी कि एलिजाबेथ यहाँ पर बहुत खुश है और वे लोग उसका ख्याल अच्छे से रख रहे हैं। जिसे जानने के बाद में जून एलिजाबेथ के लिए खुश थी और फिर आर्मी जून को अपने साथ में ले जाती है। जून को फिर से फ्रेड के घर पर लाया जाता है और फ्रेड जून से बहुत गुस्सा था, पर जून फ्रेड को जवाब दिए बिना ही सिरना से कहती है कि उनकी बेटी बिल्कुल सेफ है, लेकिन सिरना जून को वहाँ पर वापस देखकर गुस्सा थी। उसने सोचा था कि जून भी निकोल के साथ में रहेगी और उसने जून के भरोसे ही निकोल को उससे दूर बाहर भेजा था, लेकिन जून की एक और बेटी थी और वो उसे कैसे इस नरक में छोड़कर अकेले जा सकती थी। पर जून सिरना को यकीन दिलाती है कि निकोल बिल्कुल ठीक है। अब जब जून रूम में जा रही थी तो निक उससे जानना चाहता था कि वो मौका मिलने के बाद भी वहाँ से क्यों नहीं भागी, क्योंकि कितने ही लोगों ने जून को वहाँ से निकालने के लिए अपनी लाइफ को रिस्क में डाला था और ऐसा मौका उससे बार बार नहीं मिलने वाला था। जून को मौका मिलने के बाद भी वो बहुत ही सेल्फिश बनी रही। अब इधर ग्लेनोवा निकोल को लेकर आर्मी के ड्रोन से बचते बचाते जंगल में छुप छुप कर आगे बढ़ रही थी और इतनी ठंड में पानी से होते हुए ग्लेनोवा ब्रिज के नीचे तक जाती है। वो बेबी को कपड़े से बांधकर पानी से तैर कर ग्लेनोवा नदी की दूसरी तरफ कनाडा पहुंच जाती है और वहाँ पर कनाडा की आर्मी वाले लोग ग्लेनोवा की मदद करते हैं। ग्लेनोवा बहुत खुश थी कि वो फाइनली गलियट से निकल आई है। यहाँ पर फ्रेड सिरना को समझाता है कि वो अथॉरिटी के सामने यहाँ पर झूठ बोले कि निकोल को लेकर जून के भागने में उसका कोई भी हाथ नहीं है। सिरना ने तो निकोल को लेकर जून को भागता हुआ देख जून को रोका था और शायद इस तरह फ्रेड सिरना को सजा या फिर मौत मिलने से बचा ले। सिरना फ्रेड को कह देती है कि वो उसकी फिक्र नहीं करे, लेकिन फ्रेड उसकी नहीं उसके घर की फिक्र कर रहा था क्योंकि सच्चाई पता चलने पर उसका पूरा घर टूट सकता था। कुछ देर के बाद में जून देखती है कि पूरा घर में धुआं भर रहा है और जून सिरना के रूम में जाकर देखती है कि सिरना ने उस बेड को ही आग लगा दी थी जिस बेड पर कभी वो और फ्रेड इंटीमेट होते थे और कभी बेबी पाने के लिए फ्रेड जून के साथ में इंटीमेट होता था। सिरना अपना गुस्सा निकाल रही थी और आग पूरे घर में फैल गई थी। तो जून सिरना को वहाँ से निकालने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है। जून का ये हाथ सिरना के लिए एक दोस्ती का हाथ था और आगे को बढ़ता हुआ देखकर जून सिरना और घर के बाकी लोग घर से बाहर चले जाते हैं। आगे के उस धुएं को देखकर जून को ऐसा लगता है कि जैसे जीसस खुद पापी लोगों को नरक की आग में जला रहे हैं। फिर उसी आग में फ्रेड की स्टडी रूम और सारे डॉक्यूमेंट और उसका पूरा ही घर जल चुका था। यहाँ पर कनाडा में ग्लेनोवा बेबी को लेकर हॉस्पिटल में पहुँच चुकी थी और किसी हैंडमेड को इतनी हिम्मत दिखाकर एक बेबी के साथ में वहाँ से निकलकर आता हुआ देखकर सभी लोग ग्लेनोवा के लिए ताली बजाते हैं और इतने दिनों के बाद में एक अलग माहौल और आजाद देश देखकर ग्लेनोवा बहुत कंफ्यूज दिख रही थी। इस तरफ गलियट में घर जलाने के बाद में सिरना और बाकी सब तो एक साथ
और जगह पर जाते हैं, लेकिन जून को आर्मी एक अलग जगह पर लेकर जाती है। कुछ टाइम के बाद में हम जून को हेलमेट को सजा देने वाले घर में देखते हैं, जहाँ पर जून एक टॉर्चर बेड पर लेट जाती है। इधर कनाडा में जॉन और मोरिया को एक लेटर में एलिजाबेथ की फोटो मिलती है और इतने दिनों में एलिजाबेथ को देखकर जॉन रो देता है। उसकी बेटी अब पहले से बहुत बड़ी हो गई थी और तभी उनके पास में ग्लेन आती है और अपने बारे में बताती है। इस तरफ गलियट में जून को टॉर्चर भी किया गया था और उसे बहुत सारा काम भी करवाया जा रहा था। और उसी समय एक हेडमेट से जून को खबर मिलती है कि ग्लेनोवा और उसकी बेटी निकोल सेफली कनाडा पहुंच चुके हैं और इसे जानकर जून बहुत ही खुश होती है। जून को फिर एक नए घर में बेबी पैदा करने के लिए भेजा जाता है, पर यह घर किसी और का नहीं बल्कि मिस्टर लॉरेंस का था और मिस्टर लॉरेंस ने खुद ही हेडमेट के लिए जून को रखना चाहता। और जून भी इस बात को जानती थी कि मिस्टर लॉरेंस हेडमेट की मदद करना चाहते थे। और इसी के साथ में सीजन 3 का एपिसोड 1 यह पर खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है, जहाँ पर जून को एक नई हेडमेट पार्टनर दी जाती है जिसका नाम लिंजी था। लिंजी की बातें जून को ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है, लेकिन फिर भी वो उसे कुछ नहीं कहती है। अब मार्केट में जून हेडमेट रोजी से एलिजाबेथ के नए पेरेंट्स मिस मैकेंजी के बारे में जानकारी लेती है और दोनों बड़ी चालाकी से बात करते हैं ताकि उन पर किसी को भी शक न हो। जून जब घर पर पहुँचती है तो एरिका उससे मिलने आई थी। ग्लेनोवा के उस वार के बाद में एरिका जिंदा बच गई थी। एरिका मिस लॉरेंस से जून के बिहेवियर के बारे में पूछती है कि जून उनकी बात मानती है या नहीं और जून उनको रिस्पेक्ट देती है या नहीं। मिस्टर लॉरेंस ये कहते हैं कि जून उनके लिए एक बहुत ही अच्छी हैंडमेड है। एरिका उनसे सेक्स सेरेमनी के बारे में पूछते हैं जो कि उसके हिसाब से जल्दी होना चाहिए, लेकिन मिस्टर लॉरेंस अपनी पत्नी मिस लॉरेंस की खराब तबीयत की बात भूलकर सेक्स सेरेमनी को टाल रहे थे, जिस वजह से एरिका को उन पर शक होने लगा था। और उनके घर पर रहने के दौरान ही ग्लेनोवा यहाँ से कनाडा भाग चुकी थी, तो मिस्टर लॉरेंस पर शक होना तो जायज बात थी। एरिका ऊपर के रूम में मिस्टर लॉरेंस और मिस लॉरेंस को देखने जाना चाहती थी, लेकिन एरिका कमजोर थी तो सीढ़ियां नहीं चढ़ पाती है और गिर जाती है और जून उसे संभालती है। लेकिन जून ने जो एलिजाबेथ को ले जाने के लिए रात को मिस मैकेंजी के घर पर जो किया, इस वजह से एरिका उस पर बहुत गुस्सा थी। वो जून को गाली देकर उसे इलेक्ट्रिक शॉक देती है। एरिका और कुछ कर पाती उससे पहले मिस्टर लॉरेंस वहाँ पर आ जाते हैं और तब एरिका अपने कंट्रोल में रहती है और वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर दूसरी तरफ कनाडा में निकोल अब जॉन और मोरिया के साथ में थी और ग्लेनो को भी डॉक्टर बहुत अच्छे से देखभाल कर रहे थे। यहाँ पर गलियट में मिस्टर लॉरेंस के घर में एक नई मेड एलिसन कुछ दिनों के काम के लिए आई थी ताकि वो यहाँ पर कुछ दिनों तक चुप कर रह सके और फिर यहाँ से भाग जाए। लेकिन मिस्टर लॉरेंस एलिसन को वहाँ से चले जाने को कहते हैं क्योंकि वो किसी अनजान को अपने घर में नहीं रखना चाहते थे और किसी को भी अगर पता चल जाता है कि मिस्टर लॉरेंस हेडमेट की मदद करते हैं तो उनके और उनकी वाइफ के लिए ये मुसीबत बन सकती थी। लेकिन जून उनको समझाती है कि अनजान तो वो और ग्लेनोवा भी थे, फिर भी उन्होंने उनकी मदद क्यों की और एलिसन भी उनकी तरह एक औरत है तो उनको उसकी भी मदद करना चाहिए। और इसे सुनने के बाद में मिस्टर लॉरेंस एलिसन को रखने के लिए मान जाते हैं। यह मिस लॉरेंस के रूम में किसी को भी अंदर जाने की परमिशन नहीं थी और हमेशा उनका खाना भी दरवाजे के बाहर ही रखा जाता था। जून लोरा क्लोरा और एलिसन वहां से बाहर निकलने के लिए एक प्लान बनाते हैं। सभी टाउन के उस हिस्से में जहाँ पर केमिकल के साथ में कपड़ों को साफ किया जाता था, जून भी मेट के कपड़े पहनकर उनके साथ में ही वहां पर जाती है। वहां पर जून को ये रियलाइज होता है कि हैंडमेड पर जितनी नजर रखी जाती है मेट्स पर उतनी ज्यादा नजर नहीं रखी जाती थी। हैंडमेड को खून की तरह सुर्ख लाल कपड़ा इसलिए पहना जाता था ताकि वो कहीं भी हो सबसे पहले नजर उन्हीं पर जाए। अब आर्मी की चेकिंग होते हुए वे लोग एक घर तक आ पहुंचते हैं जहाँ पर वे लोग एलिसन को छोड़ते हैं और थोड़ी देर में यहाँ पर कोई एलिसन की मदद के लिए आने वाला था। लोरा से जून को पता चलता है कि एलिसन भागकर कनाडा नहीं जाएगी। वो पहले एक केमिस्ट्री टीचर थी और शायद वो कुछ बड़ा करने की सोच रही थी। अब न्यू लॉक के पहले उन सभी की कोई ना कोई पहचान थी और सब औरतें अगर चाहे तो मिलकर अथॉरिटी से लड़ सकती थी। यहाँ पर दूसरी तरफ कनाडा में ग्लेनोवा जॉन मोरिया और क्रिस्टन के साथ रात का डिनर करती है और मोरिया यहाँ पर ग्लेनोवा से जून के बारे में पूछती है। ग्लेनोवा ये मानती थी कि जून खुद को संभाल सकती है और वो उन सारे हेलमेट से सबसे ज़्यादा स्ट्रांग और हिम्मत वाली है। अब इस तरफ गलियट में एलिसन भाग नहीं पाई थी और एलिसन खुद के साथ जख्मी हालत में एलेक्सा को लेकर वापस मिस्टर लॉरेंस के घर पर आ जाती है। लोरा क्लोरा और जून फौरन एलेक्सा को बेसमेंट में लेकर जाते हैं और देखते हैं कि एलेक्सा को गोली लगी थी। वो सभी एलेक्सा को संभालने लगते हैं। मिस्टर लॉरेंस क्लोरा को आवाज़ देते हैं और क्लोरा और जून के बाहर आने पर
मिस्टर लॉरेंस बेसमेंट से आ रही आवाजों के बारे में पूछते हैं। दोनों ही उनसे झूठे बहाने बनाने लगती है, लेकिन मिस्टर लॉरेंस उनका झूठ पकड़ लेते हैं। जून उन्हें सब कुछ सच बता देती है और उस टाइम उनके डोर पर आर्मी आ जाती है एलेक्सा को ढूंढने के लिए। जून जल्दी से दीवार पर लगा हुआ एलेक्सा का खून साफ करने लगती है। आर्मी जून को देख पाती उससे पहले मिस लॉरेंस बात को संभाल लेती है और अपनी बातों से आर्मी का ध्यान भटका देती है। फिर आर्मी दूसरे रूम में जाती है और तब मिस लॉरेंस जून को एलेक्सा की मदद करने के लिए भेज देती है। और यहाँ पर हमें पता लगता है कि मिस लॉरेंस भी हैंडमेड और बाकी औरतों की मदद करती है। अब यहाँ पर बेसमेंट में एलेक्सा की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी और वे लोग जोर से आवाज़ भी नहीं कर सकते थे। ऊपर बैठी सभी आर्मी की वजह से थोड़ी सी भी आवाज़ उन सब की मौत का कारण बन सकती थी। और जून किसी तरह एलेक्सा को चुप कराती है, लेकिन इसी दौरान ज़्यादा खून बहने की वजह से एलेक्सा की मौत हो जाती है। और जून तब सही टाइम रहते हुए एलिसन को वहाँ से भगा देती है। अब इन सब की वजह से मिस्टर लॉरेंस जून पर बहुत गुस्सा थे, क्योंकि इन्हीं मुसीबतों की वजह से मिस्टर लॉरेंस किसी अनजान को अपने घर पर नहीं बुलाते हैं। मिस्टर लॉरेंस के कहने पर जून एलेक्सा की बॉडी को एक कपड़े में लपेट देती है और लोरा की मदद से एलेक्सा की लाश को बाहर ले जाती है। फिर मिस्टर लॉरेंस लोरा को जून की कोई और मदद नहीं करने देते हैं, क्योंकि जून का आइडिया था कि वो बाकी औरतों की भी मदद करें। और उसके बाद में जून अकेले ही आधा गड्ढा खोदकर एलेक्सा को दफनाकर उसका अंतिम संस्कार करती है। यहाँ पर गलियट से बाहर निकलने की कोशिश में एलेक्सा की जान चली गई थी और यही बात जून को परेशान कर रही थी। फिर अगले दिन मार्केट जाते टाइम लिंजी जून से एलेक्सा और एलिसन के बारे में बात करती है और लिंजी के मुताबिक उन दोनों ने भागकर बहुत बुरा किया था। गॉड ने उनको कंट्री की अच्छाई के लिए जो काम दिया था वो भी वो अच्छे से नहीं कर पाई थी। तो जून लिंजी के सामने ऐसा दिख रही थी जैसे कि उसे उन दोनों के बारे में ज़्यादा कुछ पता ना हो, लेकिन जून अपनी बातों से लिंजी के मन में डर बिठा रही थी। अब यहाँ पर दूसरी तरफ कनाडा में ग्लेनोवा की आँख का चेकअप हो रहा था और ग्लेनोवा को कुछ हद तक अच्छे से नहीं दिखाई देता था, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ये शायद कुछ दिनों तक गलिट की उस जहरीली कॉलोनी में काम करने का असर था। फिर इन सब के बावजूद ग्लेनोवा को कहीं से अपनी वाइफ एशली का नंबर मिल जाता है और दोनों इतने दिनों के बाद में एक दूसरे से बात करते हैं। और ग्लेनोवा ने भी कभी सोचा नहीं था कि वो अपनी वाइफ की आवाज़ सुन पाएगी। तो इसी के साथ में एपिसोड 1 और एपिसोड 2 भी ख़त्म होगा। तो दोस्तों, द हैंडमेड टेल्स सीजन 3 के एपिसोड 1 और एपिसोड 2 में हमने जाना कि धीरे धीरे हैंडमेड्स अपनी ताकत को जानकर गलियट देश से बाहर निकलने का साहस करती है। अब इन दोनों एपिसोड से हमें ये भी पता चला है कि धीरे धीरे हैंडमेड की हालत अब अच्छी भी होती जा रही है और उनकी मदद करने के लिए लोग सामने भी आ रहे हैं। तो अब आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है ये जानने के लिए हमारे साथ इस सीरीज में बने रहिएगा। तो हमने इन दोनों एपिसोड में देखा कि जून अपनी एक बेटी निकोल को गलियट से बाहर निकाली देती है और बस उसे अपनी दूसरी बेटी एलिजाबेथ को भी वहाँ से निकालना था। सेरेना को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो इन सब इंसिडेंट की वजह से टूट चुकी है। एक तो रूल तोड़ने की वजह से उसकी उंगली काट दी गई थी और दूसरा निकोल के अच्छे फ्यूचर की वजह से उसने निकोल को अपने से दूर कनाडा जाने दिया। यहाँ पर हमने ये भी देखा कि हैंडमेड ही नहीं वहाँ की मेड्स भी वहाँ से निकलना चाहती थी, लेकिन इसी दौरान एलेक्सा अपनी जान गंवा देती है। ग्लेनोवा भी सक्सेसफुली गलियट से निकलकर कनाडा पहुँच गई थी और यहाँ पर ग्लेनोवा से हैना की कही हुई ये बात सच हुई थी कि भगवान उनकी भलाई के लिए सोचकर प्लान बना रहे हैं। अब ग्लेनोवा आज़ाद थी और पहले की तरह अपनी वाइफ और अपने बेटे के साथ में रह सकती थी। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम ये ख़त्म करते हैं। आने वाले एपिसोड देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत सारे वीडियोज़ डालने वाला हूँ। तो अब मैं आपसे मिलूंगा द हैंडमेड टेल्स के आने वाले पार्ट में।